मुद्दों के ऊपर आज के दिन चर्चा हुई है, जिसमें सबसे अहम मुद्दा ये है कि यहाँ पर हमको हर मीटिंग के अंदर ये बताया जा रहा है कि कितने वेंटिलेटर्स औरंगाबाद के हॉस्पिटल्स के अंदर आए हैं करके, और ये आंकड़ा दिखाया जा रहा है। आज का आंकड़ा ये था कि 411 के करीब वेंटिलेटर्स यहाँ पर लाए गए हैं। सवाल ये है कि क्या वो काम करने वाले वेंटिलेटर्स हैं? 150 वेंटिलेटर्स जो है वो केंद्र सरकार की तरफ से आए हैं, जिसे पीएम केयर्स के नाम से है तो भेजा गया है, और वो 150 वेंटिलेटर्स यहाँ पर घाटी हॉस्पिटल के अंदर आए हैं, वो किसी काम के नहीं है, वो फेंकने के लायक के काम के है। 150 के 150 वेंटिलेटर्स जो है वो हम यूज़ नहीं कर सकते हैं, इस वजह से वो वेंटिलेटर्स प्राइवेट हॉस्पिटल के अंदर देना पड़ा है, और वो वेंटिलेटर्स प्राइवेट हॉस्पिटल वाले भी यूज़ नहीं कर रहे हैं। यानी कि ये वेंटिलेटर्स जो प्राइम मिनिस्टर फंड के पास से आए हैं, पीएम केयर्स के ज़रिए आए हुए हैं, वो सिर्फ है तो नकली किस्म के हैं, उसका कोई उपयोग नहीं हो रहा है। इसकी उच्च स्तरीय इंक्वायरी होनी चाहिए, और यहाँ पर जितने अधिकारी थे उन्होंने ऑन रिकॉर्ड ये कहा है कि वो वेंटिलेटर्स किसी भी काम के नहीं हैं। तो ये 150 वेंटिलेटर्स आए क्यों, किसने भेजा है, कहाँ से आए हैं, इसकी पूरी जानकारी होना बहुत ज़रूरी है। दूसरा जो मुद्दा आया है कि जो एक्सेस बिलिंग का जो मामला प्राइवेट हॉस्पिटल्स का आ रहा है, एक दो हॉस्पिटल्स के बारे में है तो बहुत गंभीर कंप्लेंट्स है कि 9-9 लाख रुपए का बिल वहाँ पर दिया जा रहा है पेशेंट्स को। हमारे पास भी कुछ ऐसे आ गया है, हमने उनको दिया है कि डिटेल के अंदर इसकी इंक्वायरी करके, वो हॉस्पिटल के ऊपर जो भी कार्रवाई होनी चाहिए वो सख्त से सख्त कार्रवाई। एक तो जो अंबादास दानवे साहब ने जो किया है, और मेरे पास भी जो आया है गजानन हॉस्पिटल के बारे में है कि कई लाख रुपये के वो बिल्स बना रहे हैं करके। तीसरा मुद्दा ये है कि जो घाटी के अंदर जो इंटर्न्स जो काम कर रहे हैं उन्हें महज 10 या 11 हज़ार रुपये दिया जा रहा है। तमाम लोक प्रतिनिधियों ने इस मुद्दे को उठाया और डीन मैडम को और कलेक्टर को ये बताया कि अगर हमारे पास फंड है तो ये जो इंटर्न्स है ये इंटर्न्स को एक्स्ट्रा पैसा देके इनका भी काम स्टॉप, क्योंकि ये लोग स्ट्राइक के ऊपर है, उनका कहना है कि 10-11 हज़ार रुपये में हमारे को जो काम किया जा रहा है वो बहुत कम है, और दूसरे शहरों के अंदर ये ज़्यादा दिया जा रहा है। तो ये फैसला लिया गया है कि ये इंटर्न्स को भी ज़्यादा पैसा देकर है तो यहाँ पर उनको काम पर लगाया जाएगा। सर नमाज के बारे में कुछ तो ये सरकार नहीं, जो उलमाए कराम है उन्होंने फैसला करना है कि वो क्या करना चाह रहे हैं, कि वो कहाँ पढ़ना चाह रहे हैं और कैसे पढ़ना चाह रहे हैं, क्योंकि ये सबकी जिम्मेदारी है। उलमाए कराम जो भी फैसला लेंगे मेरे हिसाब से एक अच्छी बात रहेगी। दूसरा, हमने सरकार से ये सवाल किया है कि एक महीना हो गया है कि मुख्यमंत्री साहब ने कहा था कि हम रोज़ी चली गई तो चलेगा लेकिन रोटी नहीं जाने देंगे, तो कितने लोगों को रोटी दिए है करके ये आंकड़ा हमने पूछा है कि कितने रिक्शे वालों को 1500 रुपये मिले हैं, कितने मजदूरों को 1500 रुपये मिले हैं, जो जो लोगों की घोषणा की गई थी कि हम इनको इतना पैसा देंगे, तो क्या एक भी रिक्शे वाला आज औरंगाबाद में है जो ये बोल सकता है कि हाँ मुझे 1500 रुपये मिले हैं करके? तो किसी को भी नहीं मिले हैं, और ना प्रशासन के पास ये कोई आंकड़ा है। उन्होंने कहा है कि हम अगले मीटिंग तक है तो इसका आंकड़ा लेकर हम बताएंगे। तो सवाल ये है, एक तरफ आप रोटी दे नहीं रहे हैं और जो रोटी कमा रहे हैं रोड के ऊपर तो उनको सील कर रहे हैं, तो ये जो गलत तरीके का जो काम चल रहा है, मैं लोगों से ये अपील करूँगा कि अब महज 3-4 दिन बचे हुए हैं, अपने तौर के ऊपर आप पूरी एहतियात बरतते हुए आप अपना काम जारी रखिएगा उसमें, लेकिन ऐसा नहीं होना चाहिए एक दुकान के अंदर है तो आप 50-50 लोगों को अंदर ले ले रहे हैं करके। ऐसे दुकानों के ऊपर कार्रवाई होनी ही चाहिए, लेकिन जो रोजी रोटी कमा रहे हैं, क्योंकि यही 3-4 दिन है, आगे की कोई गारंटी नहीं है कि आगे भी लॉकडाउन रहेगा या नहीं रहेगा, अगर रहेगा तो फिर सरकार तो कुछ देने वाली नहीं है। यही पीरियड के अंदर जो दुकानदार छोटा मोटा कुछ कमा रहे हैं उनको कमाने का मौका दिया जाए। हम इस तरह से प्रशासन को और पुलिस को दोनों को भी ये विनती करते हैं, और दुकानदारों से अपील करते हैं कि सारी एहतियात बरत के, लोगों से ये अपील करते हैं सारी एहतियात बरतते हुए इतने अच्छे तरीके से पूरा रमज़ान का महीना निकाले हैं, 3-4 दिन भी वैसे ही निकाल लीजिएगा। ईद मुबारक।